हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फीवर ट्रेवल। मैं प्राची और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रैकिंग से रिलेटेड एक स्टोरी। क्या आपको ट्रैकिंग पसंद है? आप में से बहुत लोगों को ट्रैकिंग पसंद होती है, पर आप ऊंचाइयों पर जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग का मजा तो ऊंचाइयों पर ही होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ऊंचाइयों पर है, और क्या आप वहां पर जाने का डेयर कर सकते हैं, और या तो फिर आप पहले कभी वहां गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए जानते हैं। ट्रैकिंग करने के लिए आप ऊंचाइयों पर प्रबलगढ़ के किले पर जा सकते हैं। प्रबलगढ़ का किला बेहद रहस्यमय है, यहाँ पर कोई नहीं जा पाता। पहाड़ की ऊंचाई पर बसे हुए इस किले को देखने के लिए खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और जिसमें अपनी जान को जोखिम पर डालकर जाना पड़ता है, जिस कारण बहुत ही कम लोग इस किले को देखने के लिए जाते हैं। ये प्रबलगढ़ का किला महाराष्ट्र में है, जहाँ की कहानियाँ टूरिस्ट को रोमांचित कर देती है। यह किला माथेरन और पनवेल के बीच स्थित है। इसकी संरचना और ऊंचाई के कारण इसे इंडिया का सबसे ऊंचा और खतरनाक किला कहा जाता है। पुराने किलों और स्मारकों को देखने के लिए लोगों के बीच यह किला हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। रायगढ़ के जिले में स्थित इस किले से आप आसपास के शानदार और मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ जाने वाले सभी टूरिस्ट सूर्यास्त होने से पहले ही इस किले से वापस लौट आते हैं, क्योंकि अगर शाम हो गई और अंधेरा हो गया तो वहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस जगह पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि टूरिस्ट वहाँ ठहर सके, ना ही पर्यटकों को यहाँ बिजली मिलेगी और ना ही पानी। इसी वजह से शाम ढलने से पहले टूरिस्ट इस किले से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि शाम हो गई और सीढ़ियां उतरने में जरा सी भी चूक हो गई तो सीधा जान जा सकती है। प्रबलगढ़ का ये किला करीब 2300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सैलानी ईर्षालगढ़ किले और कल्याण किले को निहार सकते हैं। इस किले के आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये किला सबसे ज्यादा डरावना इसीलिए है क्योंकि इस किले तक पहुँचने वाली सीढ़ियों में रेलिंग नहीं होने के कारण और ज्यादा खतरनाक बना देती है। यह किला पहले प्रहरी दुर्ग था और इसका नाम मुरंजन किला था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान इसका नाम प्रबलगढ़ रख दिया गया। मानसून और बारिश के दौरान सैलानी यहां जाने से बचते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं या फिर इस खतरनाक जगह पर जाने का डेयर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप भी जाइए इस प्रबलगढ़ किले में, और याद रहे कि आप वहां से शाम होने से पहले ही वापस आ जाएं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।